इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताखीर का जिम्मेदार नहीं है। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे गौर है। सजाद काज़मी से इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। सजाद आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सजा के बाद सदरा इलेक्शन कमीशन ने यह दावा किया है कि तासुर जो किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौर खान को पीटीआई के चेयरमैन ट्रीट किया है, ये दुरुस्त नहीं है। अभी तक ये इंटर पार्टी जो मामला है वो जेरे गौर है, इस पर कोई सही फैसला अभी तक नहीं किया गया। जरा बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। आताम सीपीआई ने बार बार तकनीकी हल्के इस्तेमाल किए हैं। जराइल ने यह भी दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की तकनीक का जिम्मेदार जो है वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर अपना मुख्तसर जो फैसला है वो 12 जुलाई 2024 को सुनाया था और उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुदत के अंदर यानी 25 जुलाई 2024 को अपनी जो इंट्रा जो सीएमए है वो दायर की थी, जो कि इसी फैसले पर मुतल थी। तकरीबन 2 माह के बाद सजाद आप आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका।